हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप एकदम मस्त होंगे। और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फोटो बाज़ार हर्षित में। तो आज मैं आपके लिए बताने वाला हूँ फ़ोटो का बैकग्राउंड रिमूव करना, कि आप अपनी फ़ोटो का बैकग्राउंड कैसे रिमूव करेंगे। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को कर दीजिए लाइक। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, ये वो पिक्चर है जिसका मैं बैकग्राउंड कर इरेज करके आपको बताऊंगा। तो इस मतलब पिक्चर का यूज करके मैं आपको बैकग्राउंड इरेज करने के चार तरीके बताऊंगा, जिसमें कि जो चौथा तरीका है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और पर्सनली मैं उसे यूज करता हूँ। क्योंकि उसे मैं ही नहीं, उसे जो भी मोबाइल से फ़ोटो एडिटिंग करता है वो बंदा यूज ही करता है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा मतलब HD में उससे फ़ोटो इरेज होती है, वो सबसे बेस्ट है चौथा तरीका। लेकिन आप अगर आप वो थोड़ा हार्ड है, लेकिन आप तीन अब जो मैं तरीके बताऊँ उनका भी यूज़ करके फ़ोटो अपने फ़ोटो का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको जाना है अपने क्रोम ब्राउज़र में। तो मैं यहाँ पे अपने क्रोम ब्राउज़र में जाता हूँ, और सबसे पहले आपको करना क्या है कि यहाँ पे सबसे पहले आपको करना क्या है कि यहाँ पे सर्च करना है रिमूव BG। ये एक वेबसाइट है जिसका हम यूज़ करने वाले हैं। तो ये मेरा इंटरनेट ऑन नहीं है अभी। तो रिमूव BG नाम से ये वेबसाइट है, इसको आप सर्च कर देना है, ये डायरेक्टली खुल जाएगी, वरना तो आप www करके डाल सकते हैं। तो यहाँ पे ये ऑप्शन आ रहा है अपलोड इमेज का, तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। अपलोड इमेज पर क्लिक करने के बाद अपनी जो भी फ़ोटो आप सिलेक्ट करना चाहें, जिसमें का बैकग्राउंड इरेज करना चाहें, उसे सिलेक्ट कर लें। तो मैं यहाँ कर देता हूँ डन। ये फ़ोटो अपलोड हो रही है और उसका वन क्लिक में देखो बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा एकदम बूम, मतलब कि बिल्कुल कुछ ही सेकंड लगे हैं इसका रिमूव होने में। और मैं यहाँ से इसे कर देता हूँ डाउनलोड। ये आपकी जो बैकग्राउंड है, जो भी इसका PNG में ट्रांसपेरेंट PNG बन गई है, वो आपका डाउनलोड हो गया होगा। तो मैं डाउनलोड में जाके देखता हूँ। ये तो एक पहला तरीका हो गया जिससे कि हम अपनी फ़ोटो का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि इस फ़ोटो को सेंड कर, इसमें हम पिक्सआर्ट का यूज करने वाले हैं। तो पिक्सआर्ट में से मैं सेंड कर लेता हूँ पिक्चर को। पिक्सआर्ट में सेंड करने के बाद हम इसमें सिलेक्टिव टूल जो है कटआउट वाला, उसे उसका यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पे इसे क्लिक कर लेता हूँ, एक कैंची सी जो बनी हुई है इस पर क्लिक करेंगे। और फिर सबसे पहले तो आपको सिंपल बता देता हूँ एकदम, तो आपको पर्सन पर क्लिक करना है और आपका जो मतलब मॉडल होगा वो पूरा सिलेक्ट हो जाएगा रेड कलर से, जो कि आपको मतलब थोड़ा मतलब इजी हो जाता है बैकग्राउंड इरेज करने में। लेकिन फिर भी ठीक है, आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा। देखो इसका नॉर्मली बैकग्राउंड ऑटोमेटिक ही सिलेक्ट हो चुका है। अब जो जो एक्स्ट्रा पार्ट जैसे ये यहाँ ये आ रहा है, इसे आपको कर लेना है इरेज। तो इरेज का ये ऑप्शन बना हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे और इसकी हार्डनेस को 90 से ऊपर रख कर और इसके साइज को अपने अकॉर्डिंग रख के और इसे यहाँ से एक्स्ट्रा पार्ट को हटा देंगे। कुछ स्टेप से आप कर लेंगे, ठीक है। और जो पार्ट सिलेक्ट होने से रह गया है, उसे आप ब्रश पर जाकर अपने हिसाब से ब्रश का साइज करके और वहाँ पर इसे पेंट कर देंगे। ओके, कुछ स्टेप से जो पार्ट रह गया है आप उसे सिलेक्ट भी कर सकते हैं और डिसलेक्ट भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से ये थोड़ा सा पार्ट रह गया है इसका, मैं इसे इरेज कर देता हूँ कुछ स्टेप से। जो भी एजेस जो बन रही हैं ऊपर साइडों से, इन्हें भी आप इरेज कर दीजिए। बाद में बैकग्राउंड इरेज बैकग्राउंड जब हम इसके में मर्ज करेंगे तो इसमें थोड़ी दिक्कत आती है, जो कि एक अनप्रोफेशनल लगता है, ठीक है। और फिर यहाँ से कर देंगे डन। इतना करने के बाद ही आपकी बैकग्राउंड जो इस आपकी जो पिक्चर है वो ट्रांसपेरेंट बन चुकी है। अब यहाँ से आप कर सकते हैं इसे सेव। तो ये हो गया दूसरा तरीका। तो गाइस, अब मैं चलता हूँ अपने तीसरे तरीके की तरफ। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले ड्रॉ टूल में चले जाना है, ठीक है। ड्रॉ टूल में जाने के बाद
आपको लेयर्स में ये तीन थ्री डॉट के नीचे लेयर्स का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। और नीचे वाली जो लेयर है, इसमें दो लेयर हैं, एक एम्प्टी है और दूसरी जिसमें आपका बैकग्राउंड है, उसे सिलेक्ट कर लेना है। जिस भी लेयर पर आप कप करेंगे उसे आपको सिलेक्ट कर लेना है, कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो मैं यहाँ से ब्रश पर क्लिक करके इसे हाइड कर देता हूँ। और फिर अब ब्रश का इरेजर में जाता हूँ, इरेजर में ब्रश का इरेजर का साइज जो है अपने हिसाब से रख लेता हूँ। ओपेसिटी को फुल कर देंगे, हार्डनेस को भी फुली 90 से ऊपर रखना है और ब्रश को अपने अकॉर्डिंग। और इतना करने के बाद इसमें आपको नीचे से रेज करते हुए आउटलाइन जो है इसकी बना लेनी है। फिर ये जो है आपका इरेज होना स्टार्ट हो जाएगा बैकग्राउंड। ठीक है, fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Hold your breath and feel the tension. Devils hide behind redemption. Honesty is a one-way gate to hell. I want to taste consumption. Breathe faster to waste oxygen. Hear the children sing aloud. Music till the wick burns out. हमारा फुल बैकग्राउंड रिलीज हो चुका है, तो यहाँ से आप कर देंगे इसे सेव इमेज। तो ये हमारा जो फोटो है ये ट्रांसपेरेंट होके HD में जो है सेव हो जाएगा। तो गाइस जो चौथा तरीका है उसे मैं भी आपको बता देता हूँ। इसमें क्या, ये जो तीसरा मैंने तरीका आपको बताया है सेम उसी की तरह है। उसमें भी आपको इरेजर चूज करके और पूरा बैकग्राउंड इरेज करना पड़ेगा खुद, मतलब थोड़ा टाइम देके। लेकिन उसमें क्या चीज़ है कि पिक्सआर्ट में ज़्यादा जूम नहीं होता है, और जिस एप्लीकेशन का मैं यूज़ करके उसे इरेज करूँगा ऑटोडेस्क का, उसमें एकदम बेस्ट तरीके से इरेज होगा। उसमें आप कितना भी लिमिटेड मतलब जूम कर सकते हैं। और उसमें जो ब्रश भी होते हैं वो कई कैटेगरी के होते हैं, तो मैं आपको ले जा कर उसमें दिखा देता हूँ। तो मैं ऐसे सेंड करूँगा ऑटोडेस्क में, ये रहा ऑटोडेस्क। तुम्हारा गाइस जो फोटो है वो ऑटोडेस्क में ओपन हो चुका है। और देखो मैं यहाँ से ब्रश पे जाता हूँ, और ब्रश पे जाने के बाद नीचे स्क्रॉल करूँगा, और ये एक सॉफ्ट इरेजर है इस वाली लेगेसी में, ये मतलब सबसे लास्ट में एक सॉफ्ट इरेजर है एक हार्ड इरेजर है। तो मैं हार्ड इरेजर चूज़ करूँगा और सेटिंग्स में जाके इसके अमाउंट पर रखूँगा फुल, और साइज पर रखूँगा छोटा। ठीक है, अपने हिसाब से जितना कि मुझे लगेगा जिस भी कंडीशन में। ठीक है, तो मैं इसे देखो जूम करता हूँ, ये जितना चाहें आप इसे जूम कर सकते हैं, इतना तक जूम कर सकते हैं। तो इरेज करने बैकग्राउंड को इरेज करने में मतलब कोई दिक्कत नहीं आती, इजीली बिल्कुल मतलब बैकग्राउंड जो है रिमूव होता है। तो मैं दिखा देता हूँ आपको, इतना जूम किया मैंने तो आप मतलब बारीकी से एकदम मतलब बैकग्राउंड इरेज कर सकते हैं। तो ये लेयर पर क्लिक करने के बाद ये नीचे बैकग्राउंड की जो लेयर है इसको आप कर देना हाइड, या फिर आप इसमें कुछ कलर फिल कर सकते हैं, जिससे कि आपको और मतलब आसानी हो रहेगी, मतलब कोई भी चीज़ मतलब पार्ट रहेगा नहीं बैकग्राउंड इरेज करते पे। तो मैं यहाँ से इसे हाइड कर देता हूँ लेयर को, और जूम करके दोनों उंगलियों से और इसे इरेज करता हूँ। देखो कितना मतलब स्मूथ एकदम मक्खन टाइप जो है बैकग्राउंड इरेज हो रहा है। ठीक है, इस पर थोड़ा टाइम पेशेंस से मतलब बैकग्राउंड इरेज होता है, ये नहीं कि जल्दी जल्दी हो जाए, वरना आप और किसी ट्रिक का यूज़ कर सकते हैं। जो मैंने सेकंड ट्रिक आपको बताई है वो सबसे बेस्ट है, तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। एक एक मतलब पार्ट को आप अच्छे से इरेज कर सकते हैं, तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ जल्दी से। I
अगर आपका मतलब कुछ ऐसे इसके ऊपर ड्रॉ हो जाता है आपके मॉडल के, तो आपको यहाँ पे नीचे अंडो का ऑप्शन होता है, यहाँ बीच में यहाँ पर प्लस वैसा है, यहाँ पर अंडो पे जाके यहाँ से आप अंडो कर सकते हैं। ठीक है, जब भी जितनी बार भी हो जाए आप उतनी बार से यहाँ से अंडो कर सकते हैं। ओके, I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in the crowd. तो गाइस हमारा ये बैकग्राउंड जो है फुली ट्रांसपेरेंट हो चुका है, यानी कि पीएनजी में कन्वर्ट हो चुका है, इसका बैकग्राउंड इरेज हो चुका है। देखो मैं आपको वाइट बैकग्राउंड पीछे लगा के दिखा दिया हूँ, बिल्कुल पूरा इरेज हो चुका है अच्छे से। इसका मैं कलर और कलर कोई चेंज करके दिखा देता हूँ आपको। गाइस देखो पूरा बैकग्राउंड जो है अच्छे से रिमूव हो चुका है। ठीक है, तो आपको बस यहाँ से इसे हाइड कर देना है, और हाइड करने के बाद यहाँ से देखो हमारा बैकग्राउंड जो है ट्रांसपेरेंट हो चुका है। आपको सबसे पहले इसे करने का क्या तरीका बताता हूँ मैं आपको। साइडों से जो आपको मतलब इरेज करना है, इसकी एजेस से स्टार्ट करना है, पहले एजेस से पूरी आउटलाइन बना लेनी है एक, और फिर उसके बाद पूरा जो और एक्स्ट्रा पार्ट बचता है बैकग्राउंड में उसको आपको लास्ट में इरेज करना है। ठीक है, तो गाइस ये बैकग्राउंड इरेज हो चुका है, तो मैं इस पर कॉर्नर पर क्लिक करके शेयर इमेज पर करके सेव टू डिवाइस में करके और इसे अच्छे से यहाँ से सेव कर देता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा बैकग्राउंड सेव हो चुका है गाइस फुली एचडी में, मतलब कि करीब 5-6 एमबी की जो है वो पिक्चर हो